सब्सक्राइब एंड शेयर। प्यारे बच्चों, विक्रम वेताल की कहानियाँ सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। ये बड़ों को ही बहुत ज़्यादा भाती हैं। विक्रम वेताल, जिसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे, ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। पर ये कहानियों का सिलसिला आखिर शुरू कब हुआ था, तो आज हम सुनाएंगे आपको बेताल और विक्रम की पहली कहानी, यानी विक्रम वेताल की कहानियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ और उनकी प्रथम कहानी है कौन सी। आइए सुनते हैं विक्रम वेताल की पहली कहानी। और हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम बहुत ही ज्यादा मजेदार रोचक कहानियां विक्रम वेताल की आगे भी लाते रहेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी मनोरंजन से भरपूर कहानियां आपको हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली विक्रम वेताल की कहानी। बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम के एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थी, उसके 6 लड़के थे, जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह अपनी गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंप कर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास गया और उसने सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1,00,000 रुपए देकर विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उसने वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भृतहरि के पास गई और उसे दे दिया। भृतहरि ने
उसे बहुत सा धन दे दिया। लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया, उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ भी कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठाक मालूम हो गई। वह इससे बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बनाकर जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह देव रात दिन वहीं पर रहने लगा। भर्तहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को जब मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम तीन आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहां का राज करते हो, तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सीरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था, कहीं वह यही तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला
जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल फल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जोहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपए में भी नहीं आका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में से मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहां पूजा करता हूं। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनकी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो, ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिल खिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता, तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चद्दर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं। तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूं।
मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों के चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ले सुन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा ना गया, वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा, अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना अब नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना, वह मुझे कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ तो बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूं। दांत से कुतरा तो इसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूं। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा, बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कातती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और फिर बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं पर ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो,
तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुधी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने देसों उंगलियां सफेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब ये है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात फिर से राजकुमार को सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह में बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। 2 पहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी, वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गई। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है।
दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, राजकुमार, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रह सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ, कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाई जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाई जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो उस पर त्रिशूल का निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड होता है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना बिचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उस पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया।